मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्टडी विद मयंक में। मैं हूं मयंक। आज मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं भारतीय संविधान एवं राजव्यवस्था से मौलिक अधिकार या मूल अधिकार टेस्ट नंबर 3। तो दोस्तों, जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोगों को जो मैं वीडियो लेके आ रहा हूं वो आप लोग देख सकें और आईएएस प्रीलिम्स से पहले अपने ज्ञान का हमारा अच्छी तरह से रिवीजन कर सकें। आपने जितना भी पढ़ा है उस सभी का अच्छे से रिवीजन करने के लिए आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, आज मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहूंगा और मेरे पास रिक्वायरमेंट भी आ रही है कि आप वीडियो थोड़े छोटे बनाएं, तो आज से मैं थोड़े छोटे वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। नंबर फर्स्ट, उपरोक्त में से किसका संबंध संविधान के अनुच्छेद 3 से है? नंबर फर्स्ट, नए राज्यों का निर्माण। सेकंड, नए राज्यों का प्रवेश। थर्ड, राज्यों के नामों में परिवर्तन। तो देखिए, फर्स्ट जो है नए राज्यों का निर्माण और राज्यों के नामों में परिवर्तन, ये आर्टिकल 3 से संबंधित है, ठीक है। जबकि नए राज्यों का प्रवेश या फिर भारत के संघ में कभी नया राज्यों के प्रवेश के मतलब ये है कि अपने देश से बाहर का, मान लो इंडिया है, इंडिया से बाहर का कोई भी देश या राज्य अगर इसमें शामिल होना चाहता है तो वो आर्टिकल 2 के अंतर्गत शामिल होगा, आर्टिकल 2 के अंतर्गत। और 3 से मतलब ये है कि आर्टिकल 3 में ये है कि नए राज्यों का निर्माण, यानी कि मौजूदा कोई राज्य है, मान लो आप ये मान लो कि यूपी है और यूपी से हमें कोई और राज्य बनाना है, तो यूपी से मान लो पूर्वांचल हमें बनाना है तो वो आर्टिकल 3 के तहत बनेगा, ठीक है। और जिसमें हम मान लो कि पूर्वांचल बनाना है, जिसके लिए हमें थोड़ा सा हिस्सा अगर जरूरत पड़े तो बिहार का थोड़ा सा हिस्सा ले लें इसमें, या फिर और नियर बाई जो राज्य हैं उनका हिस्सा ले लें, तो ये आएगा आर्टिकल 3 के अंतर्गत। मतलब भारत के किसी भी राज्य की सीमा में परिवर्तन या नाम के परिवर्तन या मिला जुला के कोई राज्य भारत की सीमा, मतलब भारत के अंदर की भूमि से बनाने के लिए, तो उसके लिए आता है आर्टिकल 3, ठीक है। और भारी कोई राज्य है उसके प्रवेश के लिए आएगा आर्टिकल 2। और आर्टिकल 4 क्या करता है? आर्टिकल 4 यह कहता है कि 368 के तहत, मतलब संविधान संशोधन के तहत 2 और 3 को बदला नहीं जा सकता है। तो यहां पे आंसर है बी, 1 और 3। सेकंड क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन सही है? पहला है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य सिक्किम है। जी नहीं, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा मतलब एरिया वाइज सबसे छोटा जो राज्य है वो गोवा है, ठीक है, ना कि सिक्किम है। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा है वो है सिक्किम है, यानी जनसंख्या के हिसाब से सबसे छोटा है सिक्किम और क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा जो है वो है गोवा। तो ये बी वाला भी आपका गलत है। एंड सी है, भारत में गांव का सबसे अधिक प्रतिशत हिमाचल प्रदेश में। जी हाँ, सबसे ज्यादा गांव का प्रतिशत हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है, यहां सी सही है। डी, तेलंगाना की राजधानी अमरावती को बनाया गया। जी नहीं, आपको पता होगा नया राज्य बनाया है 29वां राज्य 2014 में तेलंगाना की राजधानी जो है वो हैदराबाद बनाई गई है। अमरावती आंध्र प्रदेश की राजधानी है, एपी की, यानी कि आंध्र प्रदेश की राजधानी है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, इसमें से कौन सा सही है? देखिए, पहला है, संसद किसी राज्य की सीमा, क्षेत्र या नाम में परिवर्तन उसके सहमत के बिना नहीं कर सकती है। सेकंड है, संसद राज्यों की सीमा, क्षेत्र या नाम में परिवर्तन विशेष विधायी प्रक्रिया द्वारा ही कर सकती है। देखिए, तो मैं बताना चाहूंगा, जो संसद होती है वो उस राज्य की बिना अनुमति के परिवर्तन कर सकती है, यानी कि उसकी सहमत हमें नहीं चाहिए, संसद को उसकी सहमत राज्य की नहीं चाहिए। तो यहां पहला वाला कथन बिल्कुल गलत है। सेकंड है, ऐसा आर्टिकल 4 में लिखा है, ठीक है, संविधान के आर्टिकल 4 में लिखा है कि अगर किसी राज्य का नाम परिवर्तन करना है या उसकी सीमा को घटाना बढ़ाना है तो उसके लिए उस राज्य से अनुमति लेना जरूरी नहीं है, ठीक है, ये संसद के स्वयं के मतलब निर्णय पर डिपेंड करता है। सेकंड है, संसद राज्यों की सीमा, क्षेत्र या नाम में परिवर्तन विशेष विधायी प्रक्रिया द्वारा ही कर सकती है। जी नहीं, ये नॉर्मल प्रक्रिया द्वारा होता है, ठीक है, नॉर्मल विधायी प्रक्रिया होती है उसके द्वारा होता है। विशेष प्रक्रिया आप जानते ही होंगे कि उस राज्य की विधानमंडल का बहुमत लेना, इस तरह से होती है विशेष प्रक्रिया, वो कुछ नहीं होता है। तो यहां डी, ना तो 1 और ना 2। देखिए, इसमें से बताना है कौन सा क्षेत्र भारत द्वारा अर्जित है, यानी एक्वायर्ड किया गया है भारत द्वारा। तो मैं बताना चाहूंगा, गोवा और दमन एंड दीव, दादरा एवं नगर हवेली, इन तीनों पर जो शासन था वो आपको पता होना चाहिए किसका था। इन तीनों पे था पुर्तगालियों का शासन, ठीक है, पुर्तगालियों का शासन था इन तीनों पे। और जो पौंडचेरी था, पौंडचेरी पे था फ्रांसीसियों का शासन, ठीक है, पौंडचेरी पे था फ्रांसीसियों का शासन। मतलब पौंडचेरी के अंतर्गत आपको पता ही होगा 4 जिले आते हैं, पौंडचेरी, पुडुचेरी, कराईकल, माहे, यनम। पुडुचेरी और कराईकल जो पड़ते हैं तमिलनाडु में है और माहे केरल में, यनम जो है वो आंध्रा में है, ठीक है। तो पौंडचेरी था फ्रांसीसियों के दिन, तो और सिक्किम जो था
देखिए सिक्किम में 1947 तक एक चोगयाल एक राजा रहा था, चोगयाल का शासन रहा था, ठीक है, 1947 तक चोगयाल का शासन रहा था। तो 1947 मतलब इसे 35 में संविधान संशोधन द्वारा भारत में मिलाया गया था, ठीक है। तो ये पांचों के पांचों ये क्षेत्र हैं, ये भारत में के द्वारा अर्जित किए गए। अब मैं ये बताना चाहूंगा कब कब अर्जित किए, देखिए इन पे बताना चाहूंगा किस किस का कब कब ये मतलब अर्जित किया गया। ये गोवा और दमन और दीप थे, गोवा एंड दमन और दीप थे, इन्हें 1961 में, ठीक है, पुलिस की कार्रवाई द्वारा 1961 में। और जो पुंडचेरी और दादरा नागर हवेली, इन्हें 1954 में, ठीक है, 1954 में। और जो आपका सिक्किम था, इसे मैंने बताया था 35वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे मिलाया गया था 1974 में मिलाया गया, 1974 में मिलाया गया था। तो यहां है आंसर डी, ऑल ऑफ दीज। इसमें पूछा है मूल अधिकारों के संबंध में, उपरोक्त में से कौन से मूल अधिकार केवल केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं, केवल, ठीक है। तो पहला है धर्म, मूल वंश, जात, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध, जी हाँ ये है आर्टिकल 15 के अंतर्गत आता है। लोक नियोजन के अवसर की समानता, ये 16 के अंतर्गत आता है, ठीक है। विचार अभिव्यक्त शांतिपूर्ण सम्मेलन, निर्वात विचरण, निवास एवं संघ बनाने की स्वतंत्रता, ये आता है आर्टिकल 19 के अंतर्गत। एंड प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, ये आता है आर्टिकल 21 के अंतर्गत। तो आपको पता होना चाहिए कि ये पहला वाला धर्म, मूल वंश, जात, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध, ये भारतीयों को प्राप्त है। लोक नियोजन के अवसर मतलब किसी भी नौकरी में, सरकारी नौकरी में अवसरों की समानता के लिए, ये भी भारतीय लोगों को प्राप्त है। विचार अभिव्यक्ति, शांतिपूर्ण सम्मेलन, निर्वाध विचरण, निर्वास एवं संघ बनाने की स्वतंत्रता, यानी कि आर्टिकल 19, ये भी भारतीय लोगों को प्राप्त है। एंड फोर्थ जो है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, यह भारतीयों को भी प्राप्त है, प्लस मतलब इंडियन को भी प्राप्त है, और उसके अलावा फॉरनर जो आते हैं हमारे देश में, विदेशी नागरिक, उन्हें भी मिलता है हमारे देश में आने के बाद, ठीक है। तो यहां केवल 1, 2 और 3 ही सही है, यहां पे ये वाला गलत हो जाएगा। केवल पूछे मतलब केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त नहीं, विदेशियों का जिक्र नहीं हो रहा, केवल, थोड़ा भाषा पे ध्यान दीजिए। 6th क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, भारतीय संविधान के भाग 2 में प्रावधान किया गया कि संसद एवं राज्य के विधानमंडल नागरिकता संबंधी विध बना सकते हैं। देखिए इसमें संसद तो बना सकती है, भाग 2 में प्रावधान है, लेकिन राज्य विधानमंडल का ऐसा जिक्र नहीं है, ठीक है, राज्य विधानमंडल नहीं बना सकती है। तो यहां आंसर पहला वाला गलत है। देखिए सेकंड है, भारत एवं अमेरिका में केवल जन्मजात नागरिक ही राष्ट्रपति बन सकते हैं। देखिए अमेरिका में तो जन्मजात व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकता है, लेकिन भारत में कोई भी व्यक्ति जिसे भारत की नागरिकता प्राप्त हो गई है वो राष्ट्रपति बन सकता है। तो यहां भी ये वाला भी गलत है। थर्ड, भारत, ब्रिटेन एवं अमेरिका के संविधान एकल नागरिकता का प्रावधान करते हैं। देखिए एकल नागरिकता केवल भारत और ब्रिटेन में है, ठीक है, जबकि अमेरिका, स्विट्जरलैंड जैसे देशों में दोहरी नागरिकता है, मतलब राज्यों की नागरिकता अलग है और प्लस संघ की यानी केंद्र की नागरिकता अलग है, तो वहां दोहरी नागरिकता है। तो यहां तीनों के तीनों ही गलत है, तो यहां उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है। देखिए इसमें सूची पृष्ठ को जो नागरिकता है उसे अनुच्छेद से मिलाना है, कौन से अनुच्छेद में क्या वर्ड है। देखिए पहला है वह व्यक्ति जो भारत का मूल निवासी हो, ये आर्टिकल 5 में ऐसा दिया गया है, ठीक है। बी, वह व्यक्ति जो भारत से पाकिस्तान स्थानांतरित हुआ हो परंतु बाद में भारत लौट आया हो, मतलब कोई व्यक्ति इंडिया से पहले पाकिस्तान चला गया, ठीक है, लेकिन वहां उसे कुछ लगा कि यार ये हमारे लिए सूटेबल नहीं है, तो चलो वापस इंडिया चलते हैं, तो इसके संबंध में कौन सा आर्टिकल है, इसके संबंध में आर्टिकल है आर्टिकल 7, ठीक है, आर्टिकल 7। एंड सी, वह व्यक्ति जो पाकिस्तान से भारत स्थानांतरित हुआ हो, मतलब कोई व्यक्ति जो पाकिस्तान से भारत आया है स्पेशली, ठीक है, उसके लिए है अनुच्छेद 6 यानी आर्टिकल 6। और भारतीय मूल का वह व्यक्ति जो भारत से बाहर रह रहा हो, ये इसके लिए आता है आर्टिकल 8, ठीक है। तो यह आंसर है 1, 3, 2, 4, आंसर है बी। 8th क्वेश्चन में नागरिकता अधिनियम 1955 नागरिकता प्राप्त करने के संबंध में कुछ प्रावधान करता है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान इसमें शामिल नहीं है। देखिए नागरिकता जो अर्जन अधिनियम है जो बना था 1955 में, इसमें 5 प्रावधान दिए गए थे। एक तो जन्म के आधार पर, बिल्कुल सही है, वंश के आधार पर भी सही है, ठीक है, पंजीकरण के आधार पर मतलब कोई रजिस्ट्रेशन करवा के उसके आधार पर भी सही है। एंड जो चौथा था वो था प्राकृतिक रूप से, मतलब बाई नेचुरलाइजेशन प्राकृतिक रूप से, ठीक है। एंड छठा था क्षेत्र समाविष्टि द्वारा, मतलब किसी क्षेत्र को भारत में मिलाए जाने पर, यानी किसी क्षेत्र को हमने एक्वायर कर लिया,
या फिर उसे एडॉप्ट कर लिया इसी क्षेत्र को, तो उसे क्षेत्र समाविष्टि द्वारा, तो पांच ये प्रावधान बनाए गए थे। ये चौथा है नेचुरलाइजेशन और प्राकृतिकरण द्वारा या क्षेत्र किसी क्षेत्र को समाविष्ट करने पर, पांचवा। लेकिन राष्ट्रीयकरण के आधार पर नहीं है, तो यहां गलत पूछा है, तो गलत है डी। ठीक है, इसमें सूची एक को सूची दो से मिलाना है। देखिए पहला है जन्म के द्वारा। जन्म के द्वारा मतलब यह है कि जन्म के द्वारा कब हम शामिल करेंगे, किसी व्यक्ति का जन्म 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद, ठीक है, या 1 जुलाई 1947 से पूर्व भारत में हुआ हो, वो हो जाएगा जन्म के द्वारा। एंड सेकेंड है बी वंश के द्वारा। वंश का मतलब होता है किसी के माता पिता जो उस टाइम पे आजादी के टाइम पे थे और उनसे उस उनकी संतान को जन्म हुआ। तो जिस व्यक्ति का जन्म 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद परम 10 दिसंबर 1992 से पूर्व भारत के बाहर हुआ हो, तो उसे भी वंश के आधार पर माना जाएगा। ठीक है, सी देशीकरण के आधार पर। देशीकरण का मतलब होता है बाई नेचुराइजेशन, यानी कि वह व्यक्ति भारत, ऐसे हम उसका अमल लाएंगे अगर वो हिंदी या अन्य किसी भाषा में फ्लुएंट अच्छा खासा भाषा बोल लेता है, तो इस हिसाब से अनुमान लगाएंगे कि भाई वो भारत का ही नागरिक है, तो इसे देशीकरण के आधार पर बोलते हैं। ठीक है, तो इसका उल्लेख संविधान की 8वीं अनुसूची की में उल्लेखित भाषाओं में है। ठीक है, तो यहां सी का 3 है। और पंजीकरण के द्वारा तो आप जानते हैं कि आवेदन देने से ठीक पहले 7 वर्ष तक भारत में रह चुका हो। ठीक है, लेकिन एक कंडीशन और है, ये डिप्लोमेट्स के लिए नहीं है, यानी कि कूटनीतिज्ञ जो होते हैं उनके लिए नहीं है ये प्रावधान। पंजीकरण द्वारा प्रावधान डिप्लोमेट्स के लिए अलाउ नहीं होता है, ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, तो यहां आंसर है ए। इनमें से कौन सा कथन सही है? कोई व्यक्ति जो देशीकरण द्वारा भारत का नागरिक है उसे कभी भी नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता। ठीक है, ऐसा कुछ वर्णित नहीं है कि उसे कभी नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता, उसे कभी भी किया जा सकता है। अगर भारत सरकार को लगता है कि ऐसा कोई व्यक्ति है, जैसे कोई टेररिस्ट वगैरह है, उसने हमारे यहाँ पला पड़ा है लेकिन उसकी विचारधारा अन्य देशों की है, तो उसे नागरिकता नहीं देंगे ये। ठीक है, तो उसे वंचित किया जा सकता है। ठीक है, अब ऐसे बी जो व्यक्ति भारतीय नागरिकता का स्वेच्छा से त्याग करता है उस व्यक्ति का प्रत्येक नाबालिग बच्चा भारत का नागरिक नहीं रह जाएगा। जी हाँ, ये बिल्कुल सही है। मान लीजिए किसी के माता पिता का कोई बेटा है, मान लो किसी के माता पिता का एक 10 वर्ष का बेटा है और उसके माता पिता ने भारत की नागरिकता त्याग दी, तो वह जो उनका बेटा है, जो मतलब जो भी है, मतलब जो बेटा है वो भारत का नागरिक नहीं रहेगा। कब तक नहीं रहेगा? जब तक कि 18 का नहीं हो जाता, और जब वह 18 का हो जाएगा तब वह भारत की नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकता है, यानी कि वंश के आधार पर भारत की नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकता है और उसे भारत की नागरिकता मिल भी जाएगी। ठीक है, तो ये बात यहां याद रखनी है। सी पंजीकरण या प्राकृतिक नागरिकता के 5 वर्ष के दौरान किसी को किसी अन्य देश में 6 माह की कैद हुई हो तो वह भारतीय नागरिकता से वंचित कर दिया जाएगा। 6 माह की कैद नहीं, यहां है 2 वर्ष की कैद हुई हो, 5 वर्ष की, मतलब जो नागरिकता होती है प्राप्त करने की नागरिकता, 5 वर्ष के दौरान से अगर 2 वर्ष की कैद हो गई है तो भारतीय नागरिकता से वो वंचित कर दिया जाएगा, इसलिए यहां भी ये भी गलत है। ठीक है, यदि कोई भारतीय नागरिक स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता तब तक समाप्त नहीं होगी जब तक भारत सरकार उसे बर्खास्त ना करे। देखिए जैसे ही वह भारतीय नागरिकता ज्वाइन करेगा, भारतीय जो भारतीय नागरिकता है, नेशनलिटी है, वो अपने यहां भी स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। इसके लिए किसी सरकार को वंचित करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा संविधान का प्रावधान है कि अपने आप ही समाप्त हो जाएगी आर्टिकल 9 के तहत। ठीक है, आर्टिकल 9 है, ये 9 में लिखा है, बड़े थे संविधान के। तो यहां सही पूछा है, सही है केवल बी। इसमें 11 क्वेश्चन है, भारतीय विदेशी नागरिकता कार्ड होल्डर के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो मैं आपको बताना चाहूंगा, जो भारतीय विदेशी नागरिकता स्कीम शुरू की गई है वो PIO कार्ड स्कीम, जिसे 19/8/2002 यानी कि 19 अगस्त 8/2002 में शुरुआत किया गया। ठीक है, 19 अगस्त 2002। और इसके बाद एक और है OCI कार्ड स्कीम, एक तो POI है, ठीक है, POI स्कीम, ये तो 2002 में शुरू हुई थी। ठीक है, और एक है OCI स्कीम, OCI ये हुई थी 2005 में, 2005 में शुरू हुई थी। ठीक है, तो इन दोनों के तहत हम कोई विदेशी व्यक्ति हो भारत का नागरिक बन सकता है अगर ये कार्ड ले लेता है। ठीक है, तो इसमें उसी के संबंधित कथन है। पहला है, इसमें भारतीय मूल के व्यक्ति कार्ड योजना एवं समुद्र पारी भारतीय नागरिक कार्ड योजना का विलय किया गया है। जी हाँ, ये वाला बिल्कुल सही है।
इसे भारत में मतदान करने का अधिकार नहीं होगा। ये वाला भी बिल्कुल सही है। देखिए, इसे भारत में मतदान करने का अधिकार नहीं होगा, बल्कि भारत के जो सार्वजनिक रोजगार के उपक्रम है उसमें भी यह सार्वजनिक पदों पर नहीं रह सकता है, मतलब गवर्नमेंट जॉब में भी ये अप्लाई नहीं कर सकता है। उसके अलावा भारत का राष्ट्रपति भी नहीं चुना जा सकता है, मतलब भारत के राष्ट्रपति चुने जाने के लिए एलिजिबल नहीं होगा, और उपराष्ट्रपति के लिए भी एलिजिबल नहीं होगा, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए भी एलिजिबल नहीं होगा, ना ही हाईकोर्ट के लिए एलिजिबल होगा, और एक वोटर के रूप में भी इसे वोट डालने का अधिकार भी नहीं होगा। ठीक है, ऐसा सब है इसमें प्रावधान। और इसे भारत में संवैधानिक और सार्वजनिक पद प्राप्त करने का अधिकार नहीं होगा, मतलब संवैधानिक का मैंने बताया था, ना राष्ट्रपति ना उपराष्ट्रपति ना क्या बोलते हैं सार्वजनिक पद का मतलब जैसे ना सुप्रीम कोर्ट का जज ना हाई कोर्ट के जज, ऐसा कोई पद ये प्राप्त नहीं कर सकता है। तो यहां आंसर है उपयुक्त सभी। 12 क्वेश्चन है, इसमें कौन सा कथन सही है? पहला है नागरिकता अधिनियम 1955 में अब तक 4 बार संशोधन किया जा चुका है। देखिए ये बिल्कुल गलत है, इसमें जो संशोधन है वो 4 बार नहीं है, वो 8 बार संशोधन हो चुका है, 8 बार लगभग हो चुका है। 55 के बाद 57, 57 के बाद 57, 57 के बाद 85, 86, 92, 2003, 2005, 2015 तक संशोधन हुआ है, मतलब 2015 तक इसमें 8 बार संशोधन हो गया है। ठीक है, 8 बार हो गया है संशोधन, ये याद रखना है यहाँ पे। और सेकंड है, भारतीय मूल के व्यक्तियों को दोहरी नागरिकता प्रदान करने के लिए भारतवर्ष में 2003 में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया था। ठीक है, मैं बताना चाहूंगा, एक एल एम सिंघवी नाम की समिति बनी थी, एल एम सिंघवी, एस आई एन जी एच वी, एल एन सिंघवी के नाम से समिति बनी थी, एल एन सिंघवी के नाम से वो बनी थी, सन 2000 में बनी थी समिति, सन 2000 में इसका गठन किया गया था समिति का। तो इसको गठन करने का उद्देश्य क्या था? इसे गठन करने का उद्देश्य यह था कि 16 देशों में, 16 अपने भारत के जो निकटवर्ती देश हैं, उन्हें उन 16 देशों में भारत में भारतीयों को विदेशी नागरिकता प्रदान करवाई जाने थी। ठीक है, लेकिन केवल 2 देशों को छोड़कर, उसमें बांग्लादेश, ठीक है, और पाकिस्तान को छोड़कर 16 देश शामिल थे। अब ये क्वेश्चन आपसे अगर घुमा के भी पूछा जाए तो आपको याद हो जाना चाहिए कि इसमें 16 देशों को शामिल किया गया था, 16 देशों की नागरिकता का प्रावधान था, 16 देशों में विदेशी नागरिकता देंगे, बशर्ते बांग्लादेश और पाकिस्तान नहीं होना चाहिए। बांग्लादेश और पाकिस्तान में हमें नहीं मिलेगी, इसके अलावा आप 16 के 16 देशों में आप कहीं भी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये और सेकंड चीज है, 2003 में गठित नहीं हुई थी, ये सन 2000 में गठित हुई थी, और इसने अपनी रिपोर्ट जो हुई थी, जो रिपोर्ट थी वो 2002 में सबमिट की थी भारत सरकार को। ठीक है, तो यहां आंसर है डी, ना तो 1 और ना ही 2। मूल अधिकार के संदर्भ में कौन सा कथन सही है इसमें? तो पहला है इसमें, ये बाध्यों के नहीं है, तो ये बिल्कुल गलत है। मूल अधिकार वाद्ययोग्य है, जबकि डीपीएसपी यानी कि डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी वो वाद्ययोग्य नहीं है। ठीक है, मूल अधिकार तो है, फंडामेंटल राइट तो वाद्ययोग्य है, न्याय योग्य नहीं है। अगर इनका हनन होता है तो कोई व्यक्ति संविधान में सॉरी कोर्ट में जा सकता है, कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है, मतलब कोर्ट से मतलब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो ये न्याय योग्य भी है, तो यहां पे ये वाला कथन भी गलत है। हाई कोर्ट में ये जाएगा आर्टिकल 226 के तहत, और सुप्रीम कोर्ट में तो आपको पता है आर्टिकल 32 यानी 32 के तहत। संशोधन योग्य नहीं, जी हाँ, संशोधन योग्य है, लेकिन विशेष संशोधन प्रक्रिया यानी कि 368 के तहत अगर संशोधन किया जाता है तभी इसमें संशोधन होगा, कोई नॉर्मल तरीके से संशोधन इनमें नहीं हो सकता है। और उच्चतम न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत नहीं आ सकते, जी हाँ, ये वाला कथन यहां पर सही है। ये हम अगर किसी व्यक्ति के मूल अधिकार में हनन हो रहा है तो वो सुप्रीम कोर्ट तो जा सकता है, लेकिन ऐसा संविधान में कहीं वर्णित नहीं है कि ये मूल अधिकार के जो मूल अधिकार है वो उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं, ऐसा संविधान में कहीं वर्णित नहीं है। ठीक है, तो ये यहां पे याद रखना है, ये हम जा तो सकते हैं लेकिन ऐसा कहीं वर्णित नहीं है कि इनके क्षेत्राधिकार में ही आते हैं। ठीक है, तो यहां केवल 4th यानी कि आंसर सी। देखिए, हमारे संविधान में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमें देखने को लगती हैं कि यार ये ऐसा लिखा है लेकिन ये ऐसा नहीं है, ऐसे बहुत सारे आगे टॉपिक भी आएंगे आपके, तो ऐसे ही उनमें से एक ये भी है। जैसे आपको पता होना चाहिए कि संघ की भी डेफिनेशन कोई स्पेशल नहीं लिखी है, केवल आर्टिकल 1 में लिखा है। ठीक है, ऐसे ही बहुत सी ऐसी मतलब जो डेफिनेशन है कहीं लिखी नहीं है, और पता नहीं बहुत सारी मिस्टेक अब भी उसमें है जो संशोधन योग्य है। ठीक है, 14th क्वेश्चन है, मूल अधिकार के विषय में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है? तो आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे मूल अधिकार है कितने से कितने तक है, तो वो पता ही होगा लगभग सबको। तो पहला जो है स्टेटमेंट वो देखते हैं, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भारतीय नागरिकों के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त है, जी नहीं।
ये पहला वाला जो है वो सही है, मतलब एक तरह से तो गलत है, लेकिन इसमें पूछा है कौन सा कथन सही नहीं है, तो यहाँ कथन ए सही है। वैसे तो गलत है कथन ये, जो वाक और अव्यक्तिक स्वतंत्रता होती है जो आर्टिकल 19A के तहत आती है वो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, ठीक है। अब मैं बताना चाहूंगा भारतीय नागरिकों को, केवल जो भारतीय नागरिकों को जो उपबंध बने हैं वो कौन कौन से हैं, तो 15 है, 16, 19, 29 एंड 30, ये केवल और केवल भारतीय नागरिकों के लिए ही है, इनमें कोई विदेशी का हस्तक्षेप नहीं है, ठीक है। और इसमें बी पूछा है धर्म, मूल वंश, जात या लिंग या जन्मस्थान के आधार पर विभेद का प्रसिद्ध विदेशियों को प्राप्त नहीं है, तो ये जो आर्टिकल आता है, ये आर्टिकल आता है 15 के अंतर्गत, 15 के अंतर्गत, तो ये वाला भी विदेशियों को प्राप्त नहीं है, ठीक है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण भारतीय नागरिकों के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त है। अब देखिए ये भारतीयों के साथ साथ मतलब भारतीय भी है इसमें और प्लस विदेशी भी है, तो ये आता है 21 के अंतर्गत, आप सभी ने पढ़ा होगा। तो यहां गलत पूछा है, गलत केवल एक है, ठीक है। इसमें से कौन सा कथन सही है, सही उत्तर का चयन करें। मतलब पहला है भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट, जो कि 1928 में नेहरू रिपोर्ट आई थी उसमें समर्थन किया गया था। जी हाँ, आप अगर इतिहास उठा के देखेंगे तो इतिहास में आप पढ़ेंगे नेहरू रिपोर्ट जो 1928 में आई थी तो उसमें इसका समर्थन किया गया था। मतलब जो साइमन कमीशन आया था, साइमन कमीशन के बाद नेहरू रिपोर्ट, नेहरू ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, नेहरू से मांगी गई थी, तब उसमें इन्होंने जिक्र किया था, ठीक है। तो यहाँ ए वाला बिल्कुल सही है। भारतीय संविधान के भाग तीन, यानी कि भाग तीन कौन सा है, इसमें 12 से लेकर 35 तक आर्टिकल है, उसे भाग तीन के नाम से, भाग तीन है वो, ठीक है। और इसमें जो आर्टिकल 12 है इसमें राज्य की जो परिभाषा है बहुत ही विस्तृत रूप में दी गई है, और इसके अलावा जो डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टरेट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी स्टेट प्रिंसिपल तो पॉलिसी सॉरी, इसमें आर्टिकल 36 से 51 तक है, ठीक है। तो इसमें जो है इसमें राज्य की परिभाषा आर्टिकल 36 के अंतर्गत दी गई है। तो यहाँ पे हमें केवल भाग तीन में पूछा है, तो भाग तीन में केवल 12 से 35 तक आते हैं और इसमें आर्टिकल 12 के तहत परिभाषा दी गई है, तो यहाँ ये वाला भी कथन सही है। तो आंसर है सी, एक और दो दोनों। 16 क्वेश्चन है, भारत में मूल अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित निम्नांकित में से कौन सा कथन असत्य है। देखिए पहला है यह राज्य के कार्यों के विरुद्ध एक गारंटी है। जी हाँ, पहला वाला बिल्कुल सही है, या राज्य के, अगर आपको लगता है कोई राज्य आपके मूल अधिकार को हनन कर रहा है तो आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, तो यह राज्य के कार्यों के विरुद्ध एक गारंटी भी है। बी, यह सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करता है। देखिए सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय का जो जिक्र है वो केवल प्रस्तावना यानी कि प्रियम्बले और डीपीएसपी के आर्टिकल 38, डीपीएसपी के आर्टिकल 38 में किया गया है, ठीक है। इसके अलावा ये कहीं भी जिक्र इसका नहीं किया गया है, तो यहां पे ये कथन गलत है। यह अमेरिका में अधिकारों के बिल की बात है, ये वाला बिल्कुल सही है। इसे आपातकालीन स्थिति में निलंबित किया जा सकता है, ये वाला भी सही है। इसे आपातकालीन स्थिति में निलंबित किया जाता है, केवल दो ही लागू रहते हैं आपातकाल के दौरान, 20 और 21, जो कि आपको पता होंगे। तो यहां गलत पूछा है, तो गलत है बी। 17 क्वेश्चन है, इसमें सही कथन चूज करना है। देखिए संविधान का अनुच्छेद 13 संवैधानिक प्रावधानों को संसद या राज्य के विधानमंडलों द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है। जी हाँ, कैसे करता है, देखिए संसद जो या विधानमंडल में ये बनाया गया है 13 के अंतर्गत प्रावधान कि आप लोग कोई ऐसा कानून नहीं बनाएंगे जिसके तहत मूल अधिकारों को या तो खत्म करने की बात की जा रही हो या मूल अधिकार को न्यून करने की बात की जा रही हो, मतलब न्यून का मतलब होता है उन्हें घटाने की या उन्हें कम करने की बात की जा रही हो, आप ऐसा कोई प्रावधान नहीं बना सकते हैं, ऐसा हमारे आर्टिकल 13 में वर्णित है, संसद या राज्य विधानमंडल, ठीक है। तो क्लियर हो जाना चाहिए पहला वाला ये कथन। सेकेंड है, भारत में मूल अधिकारों को लागू करने की शक्ति केवल उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को प्राप्त है। उच्चतम न्यायालय का मतलब होगा सुप्रीम कोर्ट और यहाँ है हाई कोर्ट, इन्हें प्राप्त है। सुप्रीम कोर्ट में 32 आर्टिकल, इसके तहत रिट निकालता है सुप्रीम कोर्ट, और ये हाई कोर्ट जो निकालता है 226 के तहत निकालता है, ठीक है। तो यहाँ है सी, एक और दो दोनों। इसमें बताना है इसमें कौन सा कथन सही है। देखिए समानता का अधिकार एक मूल अधिकार है, आपको पता होना चाहिए समानता का अधिकार, 6 हमारे मौलिक जो फंडामेंटल राइट, 6 फंडामेंटल राइट है, तो उसमें समानता का अधिकार एक मूल अधिकार है। जी हाँ, जिसकी चर्चा भारतीय संविधान के 4 अनुच्छेदों के अंतर्गत की गई है। तो मैं बताना चाहूंगा कि 4 अनुच्छेदों के अंतर्गत नहीं की गई है बल्कि 5 के अंतर्गत की गई है। 5 कौन कौन से हैं, 14 से लेके आर्टिकल 14 से लेके 18 तक,
ठीक है, ये पांच अनुच्छेद हैं, 14 से लेकर 18 तक पांच अनुच्छेद हैं, इनमें की गई है। तो यहां पहला वाला जो कथन है वो हो जाएगा गलत। ठीक है, धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध एक मूल अधिकार है जिसका उल्लेख समानता के अधिकार के अंतर्गत किया गया है। जी हाँ, धर्म आदि के आधार पर या वेशभूषा के आधार पर ये आता है आर्टिकल 15, संविधान की समानता के अंतर्गत आर्टिकल आता है 15, जिसके अंतर्गत ये बात लिखी गई है। ठीक है, तो यहां केवल सेकंड यानी कि बी सही है। इसमें बता रहा है कौन सा कथन सही है। पहला है विधि के समक्ष समता, मतलब कानून की समक्ष समता ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, यह एक सकारात्मक अधिकार है। जी नहीं, यह विधि के समक्ष जो समता है वह एक नकारात्मक अधिकार है जो कि ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। ठीक है, यह नकारात्मक अधिकार की श्रेणी में आता है। और विधियों का समान संरक्षण अमेरिका के संविधान से लिया गया है। देखिए ये बिल्कुल सही है, ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है, लेकिन ये नकारात्मक नहीं है, ये पॉजिटिव है, मतलब सकारात्मक अधिकार है। तो यहां है दोनों ही गलत है, तो यहां ना तो एक और ना ही दो, आंसर है डी। तो इसमें पूछा है 20 क्वेश्चन में, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 के अंतर्गत नियोजन के विषय में अवसर की समता के अपवाद के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है। देखिए पहला है अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए, यानी एससी और एसटी, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब के लिए राज्य सेवा में पदोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था है। जी हाँ, ये वाला बिल्कुल सही है। राज्य के अधीन सेवा में पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण की व्यवस्था है, ये वाला भी बिल्कुल सही है। पिछड़ा वर्ग आप जानते हैं 340 के अंतर्गत रखा गया है, आर्टिकल 340, और ये एससी जो रखा गया है आर्टिकल 338 के अंतर्गत रखा गया है 338। ठीक है, और एसटी को रखा गया है 338A, 338A या 338 का के अंतर्गत रखा गया। एंड सी है अनुसूचित जाति जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के लिए सरकारी गैर सरकारी शिक्षण संस्थानों में आरक्षण की व्यवस्था है। देखिए अनुसूचित जाति यानी कि एससी और एसटी या ओबीसी, एससी एसटी या ओबीसी के लिए इसमें लिखा है गैर सरकारी मतलब नॉन गवर्नमेंट या प्राइवेट प्राइवेट शिक्षण संस्थानों में आरक्षण की व्यवस्था की गई। लेकिन जो 93 में संविधान संशोधन हुआ, 93 में व्यवस्था की गई है आर्टिकल 15(5) के अंतर्गत एक लिखा गया है इसमें के केवल अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को छोड़कर, मतलब माइनॉरिटी जो शिक्षण संस्थान है उनमें इन्हें आरक्षण नहीं मिलेगा, बाद बाकी सभी प्राइवेट जगहों पर इन्हें आरक्षण मिलेगा, माइनॉरिटी जो शिक्षण संस्थान है उनमें इन्हें आरक्षण नहीं मिलेगा। ठीक है, ये यहाँ पे बात याद रखने लायक है, माइनॉरिटी में। ठीक है, तो ये वाला यहाँ पे गलत है। डी, धार्मिक या सांप्रदायिक संस्था के क्रियाकलाप से संबंधित किसी विशिष्ट धर्म संप्रदाय के पदाधिकारी संबंधी प्रावधान। जी हाँ, ये तो आपको पता ही होगा 25 से 28 के मध्य किए गए हैं, 25 से लेकर 28 तक ये प्रावधान रखे गए हैं, तो यहां गलत पूछा है, तो गलत है सी। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, लेक्चर पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर पसंद ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में आके बताइए क्यों पसंद नहीं आया, और आपको जो भी सुधार चाहते हैं आप बताएं मुझे कमेंट बॉक्स में आके, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप इस लेक्चर को देखने के लिए प्रेरित करें, और खुद भी इस लेक्चर को देख के अपने आप को बहुत ज्यादा आप बोलना एक्टिव बनाएं, और मैं ये चाहता हूं आपका आईएएस प्रीलिम्स सभी का निकले, किसी का भी नहीं रुके, और मेरी तरफ से बेस्ट विशेस है। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू, जय हिंद।